गुरु जी हो जाए सूर्य जी ये गाना बनते हैं सर, आज का गाना बन रही है आपका, आज एक सॉन्ग चल रहा है, हौली हौली नाचनी हो, सुनो चलेगा चलेगा यार आई भी मत करो चलो ठीक है थैंक यू हेलो यहाँ सेंटर में देखिए अंदाज आ रहा है नई नई तरीके से नई पीढ़ी जो है नई चीजें करना चाहते हैं, अग्री करते हैं इस बात से। अब जो है जो नई जनरेशन है ना वो अपने नए रोल मॉडल की तरह बनना चाहती है, और ये वो रोल मॉडल है जिन्होंने म्यूजिक की बीट बदल दी है पूरी की पूरी, जो कि अब इस साल सरगापा के बन गए हैं मैजिकल मेंटर। थोड़ी ये एनर्जी आ रही है, आ रही है। आप लोग ने हमें सजेस्ट किया, आपकी कुछ राय हम तक पहुंची और उस राय को हमने इंप्लीमेंट भी किया, और वो इंप्लीमेंट करने के बाद इस बार हमने जो मेंटर्स चुने हैं ना उनका नाम हमने मेंटर्स दे दिया है, क्योंकि वो जज से बढ़कर काम करेंगे। देखिए आप सब जानते हैं कि किसी भी सिंगर में किसी भी नए कला में कोई भी खामी निकालना बहुत आसान काम होता है, होता है कि नहीं, लेकिन उसको मेंटरशिप करके और बेहतर बनाना ये जरा मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए इस साल के जो हमारे पैनल में है ना वो है एकदम मैजिकल मेंटर्स, लेकिन उनसे मैं आपकी मुलाकात थोड़ी सी देर में कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेक दिस मोमेंट टू डू माय स्पेशल थैंकिंग टू आवर सीजन स्पॉन्सर्स, आवर को टाइटल स्पॉन्सर विल ऑफिस मींस, सारी टीम ताली बजाइए उनके लिए। लेकिन इसके पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, मैं एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहता हूँ यहाँ पर, एक ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन को यहाँ इन्वाइट करना चाहता हूँ जो जरा स्पॉटलाइट डालेंगे कि इस साल सरगापा से आप क्या क्या और उम्मीदें रख सकते हैं। तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जी टीवी चीफ चैनल ऑफिसर मिस्टर मंगेश कुलकर्णी। गुड इवनिंग, द स्टेज इज ऑल योर्स, दे आर ईगर टू लिसन कि इस साल क्या क्या होने वाला है। हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल है तो मैं चाहूंगा कि हिंदी में ही वार्तालाप हो। अब वार्तालाप तो बहुत ही फॉर्मल हो जाता है इसलिए बातें हिंदी में करूंगा। सबसे पहले आप सबका स्वागत है। समा अपनों से ही बनता है और आपने आज तक जो अपनापन जताया है और हमारी बातें दर्शकों को पहुँचाई है उसके लिए आपका एकदम मनपूर्वक धन्यवाद। धन्यवाद इस बात का भी कि हम ये आज का प्रोग्राम लगभग वक्त पर शुरू कर पाए हैं। मैं जानता हूँ कि ये वाली साइड भी है और ये वाली साइड भी है, ये जुड़ना बहुत जल्दी जुड़ना जरूरी है, इससे ज़्यादा बात आपका वक्त नहीं लूँगा। उस शो के मेंटोर के जिम्मेदारी हम पर है और हम चाहते हैं कि जब आप लोग ये शो देखेंगे आपको पता चलेगा कि इट्स एन ऑल न्यू सारेगामा विद द सेम स्पिरिट एंड द सेम लेवल ऑफ सिंगिंग। और थैंक यू और जब भी कोई चीज़ आप शुरू करते हैं तो हमारे देश की ये प्रथा है और अभी तो फिलहाल गणेश चतुर्थी चल रही है तो एक बार जोर से करते हैं गणपति बप्पा। बहुत खुशी है, जैसे जिगर ने कहा बहुत ही डिग्निफाइड ये जगह है, बहुत बड़े ये शूज हैं जो हम फिल करने की कोशिश है। भाई लोग और बहन लोग जो भी हैं वो सब
उनको हमारी तरफ से हाय है और व्हाट्सएप वाला हाय और आज सारे गांव पर एक नई आवाज़ नए अंदाज के साथ आए हैं और हम लोग बहुत खुश हैं कि आज नए जनरेशन नई आवाज के साथ कैसे मिलेगा ये अब आप लोग देखेंगे। 14 सितंबर से रात 9 बजे से सैटरडे संडे मुझे इनके बातों में थोड़ी सी बात ऐड ये करनी है कि वी बोथ आर वेरी वेरी ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ ऑल द मेंटर्स टू यू नो बी ऑन द जजिंग पैनल ऑफ सारेगामापा एंड कभी कभी भगवान आशीर्वाद देते हैं और मुझे लग रहा है ये सारेगामापा के सीजन से जुड़ने का हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है हमें एंड आई प्रोमिस यू जब 14 सितंबर को आप लोग अपने स्क्रीन के सामने बैठे होंगे देखेंगे कि क्यों ये सीजन है नई आवाज नए अंदाज के साथ क्योंकि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनमें एक ऐसी बात है जो शायद लगेगा कि ये तो मेरा ही बेटा है ये तो मेरी ही बेटी है ये तो मेरी ही बहू है। तो हम चाह रहे हैं कि जो भी टैलेंट पूरे देश भर से हमारी टीम हम लोग खोज के आपके पास ला रहे हैं आप उनको प्यार दें आप उनको सुने आप उनको स्टार बनाए और अपना आशीर्वाद जरूर दें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी और उनके साथ जुड़े भी उनकी जर्नी के साथ जुड़े ताकि उनको भी आगे जाके एक इस रियलिटी शो के बाद भी उनकी लाइफ है उनको और महत्व मिले आगे आगे क्या करना है उनको अपनी लाइफ में वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आप सबका प्यार भी रहेगा जरूर वो आप लोगों को पसंद आएंगे ऐसा हम लोगों को लगता है। लेट्स सी हम सब आप सबसे मिलेंगे 14 सितंबर को सो देखना मत भूलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू बाबा आप प्लीज इधर 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 कहाँ बैठेंगे अपना थैंक यू करने से पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ भाई का जिन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया और थैंक यू करना चाहता हूँ इस वैल्यू का के थ्रू हम आपके पास पहुँचे हैं और जी टीवी का सारे का मौका की पूरी टीम का कि मेरे को उन्होंने इस काबिल समझा इस पैनल के ऊपर बिठाने के काबिल समझा और आई एम वेरी ब्लेस्ड। मेरा पूरा गाँव मेरे को बहुत प्यार दे रहा है जब से उनको पता चला कि मैं इस शो को मेंटोर करने वाला हूँ 3 सीट्स पे बैठने वाला हूँ क्योंकि मैं खुद एक ऐसे छोटे से गांव से आया हूँ और जितने भी सिंगर्स हमारे शो पे आ रहे हैं वो भी इंडिया के छोटे छोटे गांव से छोटे छोटे घरों से आके परफॉर्म करने वाले हैं तो आई कैन रिलेट विद देम एंड आई होप आप सभी उनके साथ रिलेट करो और जस्ट मेक श्योर जैसे आप अपने घर पर किसी टैलेंट को सपोर्ट करते हो वैसे ही जितने भी सिंगर्स हमारे शो पे आ रहे हैं सारे गाँव पापे आप उनको अपना समझ के सपोर्ट करो उसके साथ साथ हमें भी सपोर्ट करो क्योंकि हमारा भी ये फर्स्ट टाइम है मैं उतना ही नर्वस हूँ जितना आप जब आपकी शादी हुई थी तब नर्वस थे। थैंक यू गाइस आई विल सी यू ऑन टीवी ऑन 14th ऑफ सितंबर। थैंक यू थैंक यू गाइस श्रोता तालियां हमारे ऑलराइट बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गुरु। ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं और देखो जो चीज़ फ्री में मिलती है ना उसका कई बार मजा उतना आता नहीं है क्योंकि आप लेना नहीं चाहते हो यही आप टिकट्स लेके जाते हो तो कितना शोर मचाते हो उतना शोर मचाओ नहीं तो घर जाओ ये भी नहीं शोर उतना शोर मचाओ जब आपका गला फट जाता है शोर में एवरीबॉडी मेक सम नॉइज़। हाँ अब मैं आपकी बात सुनूंगा और अपनी बात बताऊंगा भी बात ये है कि गाना बताओ कौन सा सुनना है गाऊंगा मैं तब अगर सब साथ गाओगे तो मैं तो नहीं गाऊंगा आप गाओगे सारे साथ ये दीवार है ये बोतलें गिर सकती है नीचे जब आप गाओगे इतना जोर से गाना है साउंड ऑलराइट कोई भी स्केल दे दो ठीक है पाजी हम लोग नीचे जाके एंजॉय करेंगे। तो बेसिक अगर आपका सुर और ताल तो जरूरी है सारे गामों पे आने के लिए लेकिन आप कितना दिल से गाते हो आप में कितनी सच्चाई है आपके गाने में आप कितना इन्वेस्टेड हो ये सारी चीजें आप लोग देखिए माँ से ये मत पूछिए कि कौन सा बच्चा अच्छा लगता है ये सब हमारे बच्चे हैं इनकी अपनी एक डेस्टिनी है इनके अपना एक फ्यूचर है कुछ इसमें से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो
इंडी के लिए ठीक है, कुछ ऐसे आर्टिस्ट है जो प्लेबैक के लिए ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो स्टेज पर जाके रॉक करेंगे, इनको अपना रास्ता दिखाने का काम हमारा है, बाकी इनकी किस्मत इनको बताइए। जी बहुत अच्छा, हमने एक परिवार हमें वहाँ मिला है और हम सब दोस्त हैं पैनल पे, और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें बन के आ रही है वो बहुत सच्चाई से बन के आ रही है। आई होप सबको उस परिवार से आपको जुड़ने का मतलब मजा है। कौन सा वो जूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, वो काटी रात मैंने, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। थैंक यू। शुरू से मैं थिएटर करता था भोपाल में, तो थिएटर की आदत पड़ गई थी, स्टेज की आदत पड़ गई थी। आदत पड़ना कहूँगा कि सही बात नहीं है कहने के लिए, क्योंकि जब भी आज भी जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो पहले के 2-3 मिनट जो है ना मुझे भी बहुत नर्वसनेस होती है, हार्ट पे ठंडे पड़ते हैं। और मैंने किसी बहुत सीनियर एक्टर से भी बात पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि हाथ पे ठंडे होना इज़ अ गुड साइन, वो जो नर्वसनेस है ना वो आपको एक्सेल करने में हेल्प करती है। यार ये जो मेंटर्स है ना इस बार के, ये काफ़ी डिजिटल धुरंधर मेंटर्स हैं, आप समझते हैं इस बात को। तो जो ये नया दौर चल रहा है, डिजिटल दौर चल रहा है, जो नया दौर चल रहा है वो उसमें इस तरह के मेंटर्स होना, जो कि एक नए पर्सपेक्टिव चीज़ों को देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि सिर्फ कितना अच्छा प्लेबैक सिंगर है, वो ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना अच्छा स्टेज प्रेजेंस है, स्टेज का यूटिलाइजेशन कितना अच्छा हो रहा है, किसमें ज़्यादा स्पार्क है। सो आई थिंक आई एम हैविंग अ बॉल। मैं जज नहीं कर सकता, काम जजेस का है, हमारे जो आजू बाजू सिंगर्स बैठते हैं वो भी टिप्पणी देते हैं, लेकिन मैं पूरे शो को एज एन ऑडियंस सुनना चाहता हूँ। मेरे लिए सब अच्छे हैं, सारा अच्छा कर रहे हैं, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग बीइंग अ पार्ट ऑफ सारेगामा। थर्टी लोग जूरी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं, इस बार आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यही मेंटर्स रहेंगे, इसलिए ये मेंटर्स हैं क्योंकि ये इनको मेंटोर करेंगे अपने तरीके से। जैसा कि मैंने बताया कि खामियां कोई भी निकाल लेता है, लेकिन खामियों को पूरा करवाने का काम जो है इन मेंटर्स का है, तो आप इन्हीं को देखेंगे और ये इनफ है, इनफ। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ एक बात कि मैं एक इमोशनल आदमी हूँ, और मैंने ये बात महसूस की कि सूत्रधार का या होस्ट का काम जो होता है ना वो बहुत सिर्फ लाइनें पढ़ना नहीं होता, बहुत ट्रिकी काम होता है। जो भी पूरा माहौल बन रहा होता है, यानी बच्चों को जिस तरह की फीलिंग्स हो रही होती हैं, जिस तरह से जजेस जो बातें कह रहे होते हैं, वो पूरा माहौल जो है अगर मैं स्क्रीन के उस पार पहुँचाता हूँ तो वही काम होता है सूत्रधार का। और क्योंकि मैं जजमेंट के लायक नहीं हूँ, यानी सिंगर्स को टिप्पणी देने लायक नहीं हूँ, तो मुझे मैं जब ऑडियंस की तरफ सुनता हूँ तो मेरे लिए सारे लोग बराबर हैं। और आप अगर मुझे अपनी कोई भी कहानी बताते हैं तो वो सीधा मुझ तक पहुँचती है, क्योंकि वो जो फ्रेश एनर्जी है पूरी स्टेज पर, कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा मंझा हुआ जज, मंझा हुआ होस्ट, मंझा हुआ सिंगर ऐसे कोई नहीं है जिनको पता है कि क्या होने वाला है। जो भी आप बात कहते हैं वो उनके दिल तक पहुँचती है, और जब वो उनके दिल तक पहुँचती है तो स्क्रीन के पार भी पहुँचती है। तो आई एम श्योर देयर इज़ अ विन अप, there is a plus on the stage already. Thank you guys. Went to the wrong event before. There was another one happening, so I said okay, there was a lot of media and it would have been really weird standing at the wrong event talking about something else, but anyway I'm here now, so I'm glad. Mujhe bahut shock hai, lekin mere sur thode se gadbad ho jate hain, so I've been told. जैसे आज हुए, आपने हाँ करेक्ट किया, तो थोड़ा सुरों का थोड़ा सा दिक्कत है। तो आई लाइक लिसनिंग टू पीपल एंड आई एम अ ह्यूज ऑडियंस, आई मीन आई लव एनीथिंग टू डू विद सिंगिंग, म्यूजिक, डांस, एवरीथिंग। मुझे ना 90s के गाने बहुत ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि हमने जो बचपन में कार्स में कैसेट्स पे
जो रिपीट पे वो 25 रुपए की कैसेट आती थी और जो हम बार बार सुनते थे लूप पे साइड ए साइड बी करके, वो गाने रट जाते थे और वो गानों का जो चार्म है वो आज तक भी बरकरार है। देखो मैंने पिछला सीजन नहीं देखा, लेकिन उससे पहले के शायद दो सीजन मैंने देखे। बहुत इंजॉय करता हूँ, और जब छोटा था तो फैमिली सारी मिलके, चाहे वो अंताक्षरी होता था, चाहे वो सारे का मापा होता था, या चाहे जितने भी ये सिंगिंग बेस्ड टैलेंट शोज होते थे, वो सब हम इट यूज़ टू बी अ फैमिली अफेयर के डिनर के टाइम पे हम ऐसा कोई सिंगिंग शो लगा लेते थे एंड वी यूज़ टू सेरेनेड अलोंग विद इट। हाँ मतलब गाना गाऊंगा नहीं बोल देता हूँ। तो मैं गाड़ी में अभी एक गाना सुन रहा था एंड गाइस प्लीज डोंट जज माय वॉइस बिकॉज आई एम नॉट अ सिंगर बट नाज़नी सुनो ना हमें तुम पे हक तो दो ना चाहे तो जान लो ना कि देखा तुम्हें तो होश उड़ गए होंठ जैसे खुद ही सिल गए ये होंठ जैसे खुद ही सिल गए। इसकी लेगेसी बहुत बड़ी है एंड इस सीजन में भी एक्साइटेड हूँ बिकॉज बहुत सारे नए चेहरे देखने को मिलेंगे जजेस के रूप में, मेंटर्स के रूप में, और थोड़ा सा स्निपेट्स मैंने देखा है, बहुत ही कमाल का है एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू टीम सारेगामापा एंड जी टीवी और माई बेस्ट फ्रेंड्स माई ब्रदर सचिन जिगर पहली बार रियलिटी शो होस्ट करने जज करने वाले, तो आई एम रियली एक्साइटेड एंड विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी इनसे एसोसिएटेड है एंड बहुत धमाल होने वाला है श्योर बात। आज के टाइम पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा पेशेंस लोगों के अंदर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि गायकी में भी वो ठहराव थोड़ा सा नज़र आए, बिकॉज मैं भी उस जॉनर से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर बहुत गायकी होती है, बहुत ज़्यादा हाई रेंज के गाने होते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है गाने गाने की, पर कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा ठहराव मेरे गाने में भी आए ताकि लोगों को जब कान में वो सुने तो उनको वो मीठा लगे, ना कि चिल्ला पुकारे। तो मैं बस वही ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आई एम श्योर कि इस बार सारेगामा हमेशा बहुत कमाल के कंटेस्टेंट्स लेकर आते हैं एंड इस बार भी वो लोग तराश के कुछ अच्छे कंटेस्टेंट्स लेकर आए, तो आई एम श्योर लोगों को वो देख के और सुन के पसंद आएगा। आई एम श्योर आपके पिताजी भी म्यूजिक इंडस्ट्री आने वाले हैं, आप म्यूजिक के लिए इन बच्चों को कहाँ जाते देखना चाहते हैं और इसमें क्या चाहते हैं? मुझे लगता है हर एक की अपनी जर्नी है, जो बच्चा यहाँ पर आ रहा है या कंटेस्टेंट यहाँ पर आ रहा है ये सोच कर आ रहा है कि मुझे अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है। आई एम श्योर कि सबके दिमाग में अपना एक गोल है जो वो अचीव करना चाह रहे हैं सारेगामा के माध्यम से, और शायद वो प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हो, शायद वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना चाह रहे हो, शायद वो एक सिंगर कंपोज़र बनना चाह रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो सारे जो अपना गोल लेकर आ रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें और उसी गोल के टूवर्ड्स अपना काम करते रहें, यही मैं चाहता हूँ और आई विश देम ऑल द बेस्ट कि वो अपना गोल अचीव करें। एक बार जोर से चिल्ला दे क्या गणपति बाप, गणपति बाप्पा, ठीक है अभी पूछिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बहुत ही मतलब थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी है क्योंकि जो शो मैं कुछ साल पहले देखती थी और मैं जिसकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, आज मैं उसी शो के प्रमोशन का हिस्सा बनी हूँ। इट फील्स ग्रेट, इट फील्स लाइक आई फील वेरी ग्रेटफुल टुडे। मुझे याद है कि हम लोग सब नेबर्स ना साथ में मिल के एक किसी एक नेबर के घर पर जाते थे और वैकेशन में सब लोग एक साथ हम शाम को देखते थे सारेगामा पा, और स्पेशली वो किड्स जब छोटे छोटे बच्चे आते थे तब हम बहुत एंजॉय करते थे। इट्स वेरी गुड। मैंने सुना है कि ओरिजिनल गाने भी हमें मिलने वाले हैं शो में से, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर और कोई चीज़ होगी कि
इतने सारे टैलेंटेड लोग जो हमारे देश के हैं, उनमें से इतने सारे टैलेंटेड सिंगर्स, और उसमें से भी हमें इतने ओरिजिनल गाने मिलेंगे इस शो में से, दैट्स ग्रेट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मेरा फेवरेट गाना लग जा गले अच्छा ओके लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो शायद फिर से जन्म मुलाकात हो ना हो आई एम श्योर For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.